नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राम। दोस्तों RRB NTPC एग्जाम को लेकर देखिए, हमारे चैनल पर डेली आप लोग को मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आज हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो प्रायः पूछे जाते हैं और साथ ही साथ 1000 अति महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों की बिल्कुल निःशुल्क PDF आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप 1000 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो RRB प्रायः पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर मेरी बिल्कुल फ्री क्लासेस देख सकते हैं, GK GS सभी की क्लासेस फ्री। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करके आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं तो रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा का प्रयोग करने पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरी बिल्कुल फ्री क्लासेस आप लोग एक्टिवेशन देख सकते हैं, इन्वाइट कोड में सक्सेस मंत्रा का जरूर यूज करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताइए भाई मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाएगा? ऑप्शन है ए, पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बताइए, सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज में क्या पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज एवं गैलेक्टोज या ग्लूकोज फ्रैक्टोज एवं गैलेक्टोज। सही जवाब दोस्तों सुक्रोज आपका जो कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, जनन क्षमता में कमी होती है, कौन से विटामिन की कमी के कारण दोस्तों जो जनन क्षमता होती है उसमें कमी हो जाती है? सही जवाब है विटामिन ई की कमी के कारण। और इसके पहले मैंने आप लोग को फुल मॉक टेस्ट दिया है RRB NTPC GK का 40-40 प्रश्नों का और हम आपको डेली यहां पर वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और प्रीवियस वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमारे चैनल पर आपको मिल रही है। इनमें से आप लोग को बताना है कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, मिल्क में दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सही जवाब कैसीन। दूध में दोस्तों कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विलियम हार्वे, तो दोस्तों विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण, ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सही जवाब दोस्तों वाटर, प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, मानव रक्त की सामान्य pH वैल्यू क्या होती है, ह्यूमन ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो pH मान यहाँ पर सही जवाब है 7.4 और pH मान से तो एक प्रश्न आपके पक्के यहाँ बनेंगे। सभी प्रकार के प्रश्नों की हम आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं। आठवां प्रश्न देखिए, इनमें से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान अगर दोस्तों देखें किसे कहा जाएगा? सही जवाब है प्लीहा, प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। नौवां प्रश्न देखिए, विटामिन B2 का अन्य नाम बताइए, विटामिन B2 का एक जो रासायनिक नाम है उससे यहाँ पर प्रश्न बन रहा है। और आपसे दोस्तों देखिए विटामिन से संबंधित सारे प्रश्न भी यहाँ पर जितने बी के जो भी कॉम्बिनेशन है B1 B2 B3 यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो B2 दोस्तों यहाँ पर है राइबोफ्लोविन है। और ये भी प्रश्न बनता है कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से वसा में घुलनशील है, तो विटामिन B और C, ठीक है B और C जल में घुलनशील है, इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं दोस्तों वह वसा में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखेंगे। दसवां प्रश्न यहाँ पर देखिए, फलों के मीठे स्वाद का कारण है, फलों में क्या ऐसा तत्व पाया जाता है जिससे उनका स्वाद मीठा होता है? सही जवाब दोस्तों फ्रैक्टोज, फलों में क्या पाया जाता है, फ्रैक्टोज पाया जाता है। 11वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका वजन कितना होता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन है दिया गया है 1350 और यहाँ पर बता दूँ 1350 ये फीमेल में है और 1450 ये आप लोग का मेल का होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, ध्वनि का अधिकतम वेग कहाँ पर होगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ध्वनि का अधिकतम वेग कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ध्वनि का अधिकतम वेग ठोस में होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इस्पात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण, तो अगर हम मेल की अपेक्षा फीमेल में देखें तो उनकी आवाज़ तीखी होती है, तीक्ष्ण होती है, किस रीजन से होता है? तो दोस्तों उनकी क्या होती है, उनकी उच्च आवृत्ति है, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, उच्च आवृत्ति यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
सदिश राशि है। तो भाई अदिश राशि सदिश राशि पक्के प्रश्न बनेंगे, और अदिश और सदिश का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अभी यहाँ पर बताइए सदिश, ठीक है। सदिश में दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ये आपका कोणीय वेग है, ये आपका क्या है, ये एक सदिश राशि का कार्य करेगा, राशि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो टैकोमीटर कौन सा ऐसा उपकरण है दोस्तों, इससे क्या मापा जाता है? दोस्तों इससे देखिए चाल मापी जाती है, और वायुयान जो एरोप्लेन की चाल होती है, वायुयान की चाल होती है, इससे चाल का मापन किया जाता है। 16वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? चलिए भाई फिर से अदिश और सदिश का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर सदिश की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, त्वरण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? अगर दोस्तों केल्विन स्केल पर मानव शरीर के तापमान को मापेंगे तो वह तापमान कितना होता है, क्या वो 290 है, 310 केल्विन, 300 या 305 केल्विन? सही जवाब है दोस्तों आपका 310 केल्विन है। 18वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 18वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? तो जल में दोस्तों ऐसा क्या मिला जाए जिससे उसकी स्थायी कठोरता समाप्त हो जाएगी? सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखेंगे। 19वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी धातु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है, जो ऑक्सीजन साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? सही जवाब है दोस्तों मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, जो Mg यहाँ पर आपका मैग्नीशियम करेक्ट हो जाएगा। और चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, टॉप 20 आपके साइंस क्वेश्चन है, और डेली आपको फुल मार्क के 40 प्रश्नों की वीडियोज आप लोग को यहाँ 12 बजे मिलती है। आज आपका ये साइंस सेक्शन से था, और आप लोग की करंट अफेयर्स की वीडियोज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए, सभी PDFs आप लोग को वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जितने भी मैंने अभी तक टेस्ट लिए हैं और ये भी टेस्ट का। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। मैलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? बताइए भाई मैलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको डेली यहाँ पर मिल रही है। सही जवाब है तांबा। तो ये था आज का दोस्तों टॉप 20 साइंस क्वेश्चन, और इसी प्रकार से टॉपिक वाइज आपको वीडियो जहाँ पर मिलती रहेगी। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।